पेटवा टाउन में दोस्तों आपका स्वागत है दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हाई एफ सी आर पाउडर के बारे में दोस्तों हाई एफ सी आर पाउडर है ये पशुओं में क्या फ़ायदे करता है क्या बेनिफिट रहता है इसकी डोज़ क्या क्या अपने को देनी चाहिए पशुओं में लार्ज एनिमल है चाहे स्मॉल एनिमल है इस तरह की बहुत सी बातों के बारे में जानेंगे तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए बेलाइकन के बटन को भी दबा दीजिए तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों हाई एफ पाउडर है ये हिस्टर कंपनी का आता है और इसकी अगर पैकेजिंग की बात करते हैं तो अपने को सौ ग्राम में भी उपलब्ध है और चार सौ ग्राम की पैकेजिंग में भी ये उपलब्ध है और दोस्तों इसके अंदर अगर कंटेंट की बात करते हैं क्या क्या डाला गया है तो दोस्तों इसके अंदर मोनेसिन मिलता है बायोटीन है मिनल्स डाले हुए हैं कोलिन क्लोराइड है इसके अंदर और मेटाबोलाइट्स भी दोस्तों इसके अंदर डाले गए हैं दोस्तों हाई एफ पाउडर है पशुओं में क्या क्या फ़ायदे करता है अगर इसके बारे में अपन जाने तो दोस्तों इसके अंदर मोनेंसिन डाला गया है मोनेंसिन क्या है कि एंटीबायोटिक के साथ में क्या है कि जो पशुओं की जो फीड क्षमता है उसको बढ़ाता है पाचन को दोस्तों बनाए रखता है दूसरा दोस्तों जो मोनेसिन का काम क्या करता है मोनन्सिन जो बेनिफिशरी माइक्रोफ्लोरा है उनकी संख्या को बढ़ाता है पशु का जो पाचन क्षमता है पशु की जो भूख बढ़ाता है और दोस्तों पशुओं में दूध उत्पादन की क्षमता को भी बढ़ाता है इसके साथ साथ क्या है कि ये ग्लूकोज का जो जो लेवल है ग्लूकोज का जो उत्पादन है उसको भी दोस्तों बढ़ाता है दोस्तों जो तीसरा जो इसके अंदर डाला गया है बायोटीन है एक तरह से लगभग सभी जो पशुपालक भाई हैं उनको पता भी है कि दूध के उत्पादन को बढ़ाता है एनर्जी भी पशु को प्रदान करता है और प्रोपिनेट के उत्पादन को भी दोस्तों बढ़ाता है इसके अंदर दोस्तों क्लोराइड भी डाला गया है जो लीवर के फंक्शन को दुरुस्त रखता है लीवर पे काम करता है लीवर को एक तरह से हेल्दी रखने का दोस्तों काम करता है अगर दोस्तों अपन बात करते हैं कि हाई एफ जो पाउडर है ऑल ओवर अपन कब कब पशुओं को दे सकते हैं दोस्तों हाई एफ सीअर पाउडर के अपने को पशु में अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं क्योंकि दोस्तों इसका जो वर्क करने का जो तरीका है पशु के ऊपर जो काम करने का तरीका है इस पाउडर का बहुत ही अच्छा है क्योंकि दोस्तों ये क्या करता है कि पशु का जो रूमन है रूमन की जो पाचन शक्ति को बनाए रखता है जो बेनिफिशरी माइक्रोफोरा है उनकी संख्या को बढ़ाता है तो पशु का जो पाचन है एकदम से सही रहता है और दोस्तों दूसरा क्या है कि ये लीवर पे काम करेगा लीवर का जो फंक्शन है उसको दोस्तों बनाए रखेगा और दोस्तों साथ ही साथ क्या है कि एक तरह से ग्लूकोज के उत्पादन को

ये क्या करता है कि पशुओं के शरीर में जो पोषक तत्व है उनको पूरे शरीर तक पहुंचाता है कभी कभी अपन जो मल्टीविटाम्स खूब दे रहे हैं जो फीड अपन अच्छा दे रहे हैं दाना चारा अच्छा दे रहे हैं पर पशु के पूरे शरीर तक नहीं पहुंच पाता है तो दोस्तों वहाँ पे क्या करता है कि ये पोषक तत्वों को पशु के पूरे शरीर तक पहुँचाने का काम करता है नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में पशु चला जाता है उस दौरान भी दे सकते हैं अगर पशु नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में चला जाता है तो दोस्तों पशु का जो प्रोडक्शन लेवल कम हो जाता है दूध पशु का कम हो जाता है तो दोस्तों उस दौरान भी अपन दे सकते हैं पशु जो जुगाली नहीं कर रहा है पशु जो खाना पीना बंद कर गया है क्रोनिक इंडाइजेशन हो गई है या चाहे सिंपल इंडाइजेशन हो गई है तो दोस्तों उस दौरान भी अपन हाई एफ सी आर पाउडर को दिला सकते हैं दोस्तों कभी कभी पशु में डायरिया हो जाता है क्रॉनिक डायरिया हो गया है या पशु को पाँच दस दिन बाद डायरिया हो जाता है या लंबे टाइम से डायरिया है या अपन लिवोटोनिक दे ही जा रहे हैं जब तक लिवोटोनिक दे रहे हैं तब तक ठीक है जैसे लिवोटोनिक बंद किया पशु को डायरिया हो गया पशुओं में डायरिया होने की स्थिति में भी दोस्तों अपन दिला सकते हैं और दोस्तों पशुओं में ब्लोटिंग की समस्या हो जाती है आफरे की समस्या हो जाती है दोस्तों एसिडोसिस की समस्या हो जाती है सब क्यू ट्रूमिनल एसिडोसिस हो जाता है वहाँ पे भी अपन दोस्तों दिला सकते हैं क्योंकि दोस्तों कभी कभी पशुओं में एक बड़ी समस्या रहती है कि उनको बार बार आफरा आ जाता है हर पाँच सात दिन में या लगातार उनको आफरा आता है या एसिडोसिस हो जाता है उस दौरान भी दोस्तों अपन दिला सकते हैं क्योंकि दोस्तों ये जो ब्लोटिंग और एसिडोसिस को खत्म ही नहीं करेगा बल्कि उनको प्रिवेंट करने का भी काम करता है जिन पशु में बार बार आफर आ रहा है और आपन उस स्थिति में दिलाते हैं तो वहाँ पे अपने को अच्छा रिजल्ट दोस्तों देखने को मिलता है ऐसे नहीं कि दोस्तों एक तरह से क्रोनिक जो एसिडोसिस हो गया उस समय आप दिला रहे हो आपको एकदम से रिजल्ट मिल जाएंगे तो दोस्तों वहाँ पे एकदम से रिजल्ट नहीं मिलेंगे पर एक तरह से ये ब्लोटिंग और एसिडोसिस की जहाँ पशु में समस्या होती है वहाँ पे ये प्रिवेंट का काम करता है वो समस्या बार बार ये पशुओं में पैदा होने नहीं देगा तो दोस्तों उस दौरान भी अपन हाई एफ जो पाउडर है उसका यूज अपन पशुओं में कर सकते हैं कभी कभी दोस्तों पशुओं में आहार बदलते हैं अपन जैसे मौसम चेंज होता है पशु का जो खान पान है दाना चारा है वो चेंज हो जाता है तो दोस्तों जैसे पशु का अपन आहार में बदलाव करते हैं उस दौरान पशु में कुछ समस्याएं देखने को मिल जाती है मेनली आफरे अपने को समस्या देखने को मिल जाती है या पशु जो खाना पीना कम कर देता है कभी कभी प्रोडक्शन लेवल भी डाउन हो सकता है कभी कभी पशु में जैसे ही अपन उसका खान पान चेंज करते हैं तो उनको कभी कभी डायरिया भी हो जाता है तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपने पशु का जो फीड चेंज किया है अभी अभी पशु के आहार में बदलाव किया है उस दौरान भी अपन इसको जो है दिला सकते हैं जिससे क्या है कि आहार में बदलाव से पशु के खान पान के बदलाव से क्या है कि पशु के प्रोडक्शन पे या पशु के शरीर पे कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा तो दोस्तों जहाँ पे लगता है कि आहार में बदलाव कर रहे हैं वहाँ पे भी अपन दिला सकते हैं तो दोस्तों पशुओं में एक तरह से ये क्या करता है कि पाचन को दुरुस्त रखता है माइक्रोफ्लोरा है उनकी संख्या को बनाए रखता है और लीवर को भी दुरुस्त रखता है और एनिमल में अगर ये दो चीजें बिल्कुल ठीक होगी तो पशु अपना जो ठीक रहेगा प्रोडक्शन लेवल पे रहेगा अगर दुधारू एनिमल है तो उसका दूध भी दोस्तों मेंटेन रहेगा तो दोस्तों ये इस तरह से काम करता है अब दोस्तों बात करते हैं कि हाई एफ जो पाउडर है इसकी डोज कितनी मात्रा में देनी है कब कब देनी है और कितने दिनों तक दोस्तों अपने को देनी होती है दोस्तों इसके अंदर जहाँ तक आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो इसके अंदर अपने को इस बॉक्स के अंदर एक मेजरमेंट स्पून मिलता है इसके अंदर एक छोटा प्लास्टिक का तो दोस्तों ये दस ग्राम का है अगर अपन गाय भैंसों में अगर डोज की बात करते हैं तो अपने को दस ग्राम डेली इसको देना होता है और दस दिन लगातार देना होता है अगर दोस्तों हाई एफ पाउडर की डोज की जहाँ तक बात करते हैं कि इसको रिपीट कितने दिनों बाद करना होता है दोस्तों अगर अपन इसकी डोज अपन दस दिन लगातार दे चुके हैं तो एक महीने बाद अपन रिपीट करेंगे और महीने में दोस्तों दस दिन ही देना है उसके बाद बंद करेंगे जैसे अगर अपन इस मंथ हम अपन दे रहे हैं दस दिन दे दिया है तो फिर अपन बंद कर देवें फिर नेक्स्ट मंथ अपन दस दिन देवें फिर अगले नेक्स्ट मंथ है अपन दस दिन देवें इस तरह से अपन क्या है एक महीने में दस दिन अपने को लगातार इसको देना है और ऐसे नहीं कि आप पूरा महीना या तीन तीन चार चार महीने इसको लगातार शुरू रखें ऐसे बिल्कुल नहीं करना है आपको दस दिन ही देना है और उन दस दिनों के अंदर भी अपने को जो इस पाउडर के हाई एफ सी आर पाउडर के अपने को रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे अब दोस्तों बात करते हैं कि हाई एफ सी आर पाउडर की जो डोज है भेड़ बकरियों में कितनी देनी चाहिए दोस्तों भेड़ बकरियों में अपन दो से तीन ग्राम दे सकते हैं दिन में एक बार और दोस्तों दस दिन तक अपन लगातार देवें उसके बाद अपन बंद कर देवें जैसे मैंने पीछे बताया कि महीने में दस दिन ही इसको देना है फिर अगले महीने फिर अपन दस दिन देंगे फिर नेक्स्ट मंथ अपन दस दिन देंगे तो दोस्तों इस पाउडर को कंटिन्यूटी में बिल्कुल नहीं देना है चाहे आप गाय भैंस को दे रहे हो चाहे आप भेड़ बकरियों में दे रहे हो वहां पे अपन एक महीने में सिर्फ दस दिन ही देंगे दस ग्राम लार्ज एनिमल में डोज देंगे दिन में एक बार स्मॉल एनिमल है शीप एंड गोट है वहां पे अपन दे रहे हैं तो वहां पे अपन दो से तीन ग्राम दिन में एक बार देंगे तो दोस्तों इस पाउडर की दूसरी अच्छी बात यह है कि लगातार नहीं चालू करना है लगातार अपने को इस पाउडर को नहीं देना है अगर अपन दस दिन ही एक महीने में दे रहे हैं वहाँ पे अपने को इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे तो दोस्तों ये तो थी इस हाई एफ पाउडर के बारे में जानकारी कि अपन जो हाई एफ पाउडर है पशुओं में क्या क्या काम करता है तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा धन्यवाद